हेलो नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय मॉर्निंग रूटीन। जो सुबह नींद से उठने के बाद ब्रेकफास्ट तक जो भी काम रहता है, मतलब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जो भी काम मैं करती हूँ, वो सब मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है एकदम सुबह के 7 बज चुके हैं, तो मैं नींद से उठने के बाद थोड़ा सा ल्यूकम वाटर लिया। ल्यूकम वाटर लेने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश होके अभी आई हूँ, काम पे लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए ये रूम थोड़ा सा ज़्यादा ही मैसी हो जाता है और खिलौना इधर उधर पड़े रहते हैं। तो सारे खिलौनों को मैंने अपने अपने जगह पर रख दिया है। अभी बिस्तर को मैंने अच्छी तरह से झाड़ लिया है। तो अभी मैं आ गई हूँ बुकशेल्फ के ऊपर। ये जो आप देख रहे हो सारा जो सॉफ्ट टॉयज़ है, तो मैं रोज़ ऐसे हटा के अच्छी तरह से धूल को झाड़ के फिर से मैं बिछा देती हूँ। ये जो मैंने बिछाया है बुकशेल्फ के ऊपर, ये एक टेबल क्लॉथ है, तो इसको झाड़ के फिर से सारे जो सॉफ्ट टॉयज़ है मैंने अच्छी तरह से अरेंज कर दिया है। तो ऐसे तो थोड़ा सा हल्का सा धूल रोज़ ही ऐसे ही पड़ जाता है, क्योंकि एकदम रास्ते के साइड का रूम है तो इसीलिए। और आज मैंने कोई विंडो को नहीं खोला है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और फॉग है। तो अगर मैं विंडो को खोल देती तो घर के अंदर फॉग आ जाता, तो इसलिए मैंने विंडो को बंद रखा है। और अभी मैंने घर का जो लाइट्स है ऑन कर दिया है, ताकि मैं ये जो शूट कर रही हूँ अच्छी तरह से दिख सके। तो यहाँ पर मैं सारे चीज़ों के ऊपर से धूल को झाड़ लेने के बाद, बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेने के बाद, अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ। तो ये रूम का झाड़ू मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन बेडरूम का मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बेडरूम में अभी तक बच्चे सो रहे हैं। तो इस टाइम बच्चे सोए रहते हैं और मैं लाइट्स भी ऑन नहीं कर सकती, तो इसीलिए। और ये जो रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ, ये नॉर्मल रूटीन है, मेरा डेली रूटीन। तो ये कोई क्लीनिंग रूटीन वीडियो नहीं है। तो क्लीनिंग रूटीन तो इससे पहले मैंने शेयर किया है कि मैं पूरे घर का जो क्लीनिंग कैसे करती हूँ मॉर्निंग में, वो तो मैंने शेयर किया है, इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मॉर्निंग रूटीन में मेरा क्या क्या काम रहता है। तो सब कुछ तो छोटे से एक वीडियो में नहीं आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो गाइस देखिए, मैं अभी मॉपिंग कर रही हूँ, तो इस रूम का डस्टिंग मैंने शूट नहीं किया है, सिर्फ मैं मॉपिंग कर रही हूँ। तो झाड़ू तो मैंने कर दिया है, तो सारे रूम का अभी मैं मॉपिंग कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये जो रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, ऑलमोस्ट मेरा यही रहता है। तो कभी कभी चेंज होता है, जैसे अगर बच्चे अर्ली मॉर्निंग नींद से उठ जाए तो मेरा काम थोड़ा सा लेट हो जाता है, तब मैं ये सब मॉपिंग का काम मैं बाद में करती हूँ, झाड़ू पोछा ये सब काम जो होता है ये मैं ब्रेकफास्ट के बाद करती हूँ। लेकिन मैक्सिमम डे मैं ऐसे ही काम करती हूँ, तो मेरा रूटीन जो है ऐसा ही रहता है। तो एक दो दिन ऐसा चेंज हो जाता है, लेकिन अभी तो सर्दी का मौसम है, विंटर का सीज़न है, तो इसीलिए अभी बच्चे देर तक सोए रहते हैं, तो इसीलिए मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है मॉर्निंग में क्लीनिंग का काम। तो इसीलिए मैं सारा क्लीनिंग का काम मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। और किचन का मॉपिंग सबसे पहले मैंने कर दिया है। तो देखिए, और जो प्रेशर कुकर आप देख रहे हो इंडक्शन के ऊपर, तो मैंने गर्म पानी चढ़ाया है, क्योंकि ये सब काम करने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी, तो गर्म पानी तो हो जाएगा। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मेरा ये सब काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बेडरूम का मॉपिंग कर लिया है, और अभी मैं बरामदा का मॉपिंग करूँगी, इस बरामदा का। उसके बाद जो जहाँ पर सब टीवी देखते हैं, हमारा जो टीवी जहाँ पर है उस रूम का हो जाए तो मेरा काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मेरा 3 रूम, किचन, बरामदा, तो 2 बरामदा, किचन और 3 रूम को मिला के तो सब जगह का मॉपिंग हो गया है। थोड़ा बहुत जो भी क्लीनिंग का काम रहता है तो सब मैंने कर लिया है। तो अभी मैं लास्ट रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारा टीवी है,
तो ये रूम में आने के बाद ये जो शेल्फ आप देख रहे हो, तो सारे शेल्फ के ऊपर से मैं हल्का सा जो धूल रहता है वो मैं पोंछ लूँगी। सूखा एक कपड़ा है, कपड़ों से मैं पोंछ लूँगी। तो रोज़ ही इसको पोंछना पड़ता है, नहीं तो हल्का सा धूल रह जाता है। और यहाँ पे टीवी के ऊपर भी हल्का सा धूल रहता है, तो ऐसे ही मैं फटाफट ये सब काम कपड़ा मार लूँगी सारी चीज़ों के ऊपर से। वैसे कॉलिन से साफ़ करने का अभी टाइम नहीं है, तो अगर कॉलिन से साफ़ करना है तो मैं बाद में करती हूँ, तो इस टाइम में नहीं होता है। और वैसे भी रोज़ मैं कॉलिन यूज़ करती नहीं हूँ, एक दिन बाद एक दिन मैं कॉलिन यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम कम्प्लीट हुआ डस्टिंग का, तो अभी मैं मॉपिंग कर रही हूँ। तो ये मॉपिंग हो जाए तो मेरा क्लीनिंग का काम कम्प्लीट होता है। और गाइज, ये सब काम जो मैं कर रही हूँ, ये सब काम मैं बहुत ही स्पीड से करती हूँ, मतलब बहुत ही स्पीड के साथ ये सब काम मैं कम्प्लीट करती हूँ, ताकि मेरा काम बहुत ही जल्दी जल्दी कम्प्लीट हो जाए। क्योंकि इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहाने के बाद आके बच्चों के लिए, हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा, तो इसीलिए ये सब काम मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है। तो सब रूम के मॉपिंग के बाद लास्ट में आंगन में भी मैं थोड़ा सा ऐसे मॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी रह जाता है। और यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड रोज़ पानी से धो देते हैं, पूरा जो आंगन है, मेन गेट है, सब पानी से धो देते हैं पाइप से, लेकिन मैं फिर भी मैंने सामने से थोड़ा सा पोछा कर लिया है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहेगा और सूख जाएगा। और आज धूप नहीं है इसलिए सब कुछ सूखने में टाइम लग रहा है, और बच्चे तो आंगन में खेलते हैं, तो इसीलिए आंगन को हमेशा थोड़ा सा क्लीन रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ कपड़ों को मैं अभी वॉश करूँगी, एक दो कपड़ा है ज़्यादा मैला नहीं है, उसको मैं अभी धो लूँगी, डिटर्जेंट से मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये जो बेडशीट आपने देखा, एक बेडशीट था, उसको मैंने भिगो के रख दिया है, तो हस्बैंड नहाने के टाइम उसको क्लीन कर देंगे। तो हस्बैंड मुझे मना करते हैं बेडशीट धोने के लिए, तो हमेशा बोलते हैं मैं वॉश कर दूँगी, तुम सिर्फ भिगो के रख देना। सो फ्रेंड्स, जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ, नहाने के बाद आके पूजा किया, थर्सडे का लक्ष्मी पूजा जो होता है, लक्ष्मी पूजा हो गया है। तो पूजा देने के बाद अभी मैं जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी रोटी, प्लेन रोटी बनाऊंगी, और कल का खीर है, तो खीर रोटी और साथ में थोड़ा सा सब्जी भी है फ्रिज में, कल जो मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाया था तो वो सब्जी भी है, तो यही होगा आज का ब्रेकफास्ट। तो चलिए गाइस, अभी किचन में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो रोटी बनाऊंगी और कुछ भी नहीं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। और मैं टाइम देख के खाना बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ मैं रोटी बनाती हूँ या फिर कुछ और नहीं बनाती हूँ, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो मैं अच्छा खासा कुछ बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, अगर टाइम शॉर्ट रहता है तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में जो अच्छा होता है वो मैं बना लेती हूँ। जैसे आज रोटी के साथ मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल का सब्ज़ी है फ्रिज में, खीर है, तो हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मेरा काम बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। और बच्चों को मैं आज ब्रेकफास्ट में दे दूंगी चौकोस, तो दूध के साथ चौकोस दे दूंगी, चौकोस बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। और ब्रेकफास्ट करने के टाइम, मतलब हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमसे भी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना लिया है और अभी मैंने चाय चढ़ा दिया है, तो इसी बीच में मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी फटाफट से, क्योंकि आटा मैदा से अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ थोड़ा सा आटा इधर उधर फैल जाता है, तो इसीलिए। और रोटी पराठा बनाने के बाद तुरंत ऐसे काउंटर टॉप को साफ़ कर लेना चाहिए, तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, खास करके किचन काउंटर टॉप जो होता है वो मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले। तो अभी मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा चाय पीऊँगी, बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दूँगी, साथ में मैं थोड़ा सा चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दो रस्क लिया है, तो अभी मैं थोड़ा सा चाय पी लूँगी। तो हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, और वैसे भी मेरे हस्बैंड को मिल्क टी एकदम पसंद नहीं है, तो इसीलिए उनको ब्लैक टी पसंद है, तो वो जब चाय पियेंगे मैं ब्लैक टी बना दूँगी। तो नहाने के बाद आके मैंने आटा का डो बना के रख दिया था, तो आटा का डो बना के रखने के बाद बच्चों को ब्रश करा के बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। और बच्चों के सामने अभी मोबाइल चालू है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम मोबाइल देना पड़ता है, इसीलिए मैं दे देती हूँ। तो अभी हम सब ब्रेकफास्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिया है मेरे और मेरे हस्बैंड का, तो एक ही साथ में लिया है। तो यहाँ पे कल का थोड़ा सा सब्ज़ी मैंने लिया है,
और रोटी लिया है एक ही साथ में। मैंने यहाँ पे 5 रोटी लिया है, 3 हस्बैंड के लिए, 2 मेरे लिए। तो ये यहाँ पे मैं खीर ले रही हूँ। तो जितना भी लेट हो जाए, अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो हम एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। चाय मैं पहले पी लेती हूँ कभी कभी, जैसे मैंने आज चाय पहले पी लिया है। और यही एक टाइम होता है जब हम दोनों मिलके एक दूसरे के साथ बहुत सारा बातें करते हैं, पूरे दिन में क्या करना है, क्या नहीं, क्या ज़रूरी काम है, वो भी कुछ शेयर करते हैं, मैं भी कुछ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो खीर है मैं अकेले ही खा रही हूँ, तो देव ने बोला वो खीर नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको सुबह सुबह ऐसे दूध का आइटम खाना पसंद नहीं है। खीर तो थोड़ा सा हेवी होता है ना, चावल के साथ दूध मिला के होता है, तो इसीलिए। तो मैंने ही सारा खीर खा लिया है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आने के बाद जो भी खीर बचा हुआ था वो मैं अभी फ्रिज में डाल दूँगी। उसके बाद सारा जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रही थी और थोड़ा सा हस्बैंड से बात कर रही थी, तो वो तो अभी निकल जाएंगे। तो ये सब काम करने के बाद मैं जाऊँगी, बच्चों को नहला दूँगी। तो बैक टू बैक मेरा जो काम है ऐसा ही चलता रहेगा। और इसी बीच में मिष्टू का जो ऑनलाइन क्लास रहता है वो भी मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ऑनलाइन क्लास में जो भी असाइनमेंट देते हैं वो मैं शाम को कराती हूँ, सुबह करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो अगर किसी वजह से ऑनलाइन क्लास ऑफ रहता है तो मैं थोड़ा सा उसको पढ़ाती हूँ सुबह के टाइम। बस यही है मेरा काम सुबह का। तो अभी मैं गैस स्टोव को क्लीन कर रही हूँ। तो गैस स्टोव क्लीन करने के बाद काउंटर टॉप को मैंने थोड़ा सा पोंछ लिया है। अभी मैं जो सारा बर्तन है वो मैं मांझ लूँगी। बस यही पे मेरा मॉर्निंग का जो भी काम रहता है ख़त्म होता है। तो आज का ब्रेकफास्ट का जो बर्तन है थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि खीर का बर्तन था, 2 चाय का बर्तन हो चुका था, एक में मिल्क टी, दूसरे में ब्लैक टी। और यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन करने के बाद साइड में थोड़ा सा जगह है वहाँ पे मैं सारा बर्तन को मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो पानी ड्रेन आउट होने के बाद यहाँ से हटा दूँगी। तो इस काउंटर टॉप को मैं एक बार पोंछ लूँगी। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ सुबह के टाइम। सो गाइस, कैसा लगा मेरा ये मॉर्निंग रूटीन? सुबह 7 बजे से 10 बजे के अंदर जो भी मेरा काम रहता है वो मैंने आज आप सबके साथ शेयर किया है। आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो अभी मैं जाऊँगी, बच्चों को नहला दूँगी। तो मेरा मॉर्निंग में जो भी काम रहता है यही तक है। इसके बाद लंच की तैयारी करना होगा, उससे पहले बच्चों को नहला दूँगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।